वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। मैं जो रेलवे एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए मिस क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ, उसका रीजनिंग का आज 25 लेक्चर है। इससे पहले मैं 24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और दोस्तों में शेयर करें। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, 100% देता हूँ कि आप लोग के सामने अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाऊँ और अच्छा तरीका बताऊँ, ताकि आप लोग रीजनिंग को समझें और मैथ को भी समझें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं और क्वालिफाई करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें, अगर आप अभी तक फेसबुक पेज से ज्वाइन नहीं हुए तो फेसबुक पेज से ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी, अगर नहीं जुड़े तो इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो यहाँ पर क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल में डायरेक्ट जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ में लिंक दिया मिलेगा, प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फिगर किस तरह बन रहा, देखिए। अब मान लीजिए फिगर जो बन रहा, देखिए ये एक डॉट से दो देखिए, जब ये डॉट से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या, एक एक बॉक्स पार कर रहा है। उसी तरह अगर ई वाला फिगर आया तो यहाँ से जब ई वाला पार, देखिए अब यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो कितना हो गया, दो बॉक्स को क्रॉस कर रहा है। सेम चीज़ अगर यहाँ से यहाँ आए तो कितना है, जब यहाँ से हमको यहाँ आना है तो कितना, तीन बॉक्स कवर किए, तीन ट्रायंगल को छोड़े। अगर यहाँ से जाना है तो, अगर यहाँ से जाना है तो हमको चार ट्रायंगल को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ मतलब यहाँ पर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन 4, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लॉजिकली सोचना है कि किस तरह फिगर, नेक्स्ट फिगर जो बन रहा है किस तरह बन रहा है। तो इसमें जब ये वाला डॉट जो है इसमें एक ट्रायंगल को छोड़ के आ रहा है, दूसरा वाला में दो ट्रायंगल को छोड़ के आ रहा है, तीसरा वाला में तीन ट्रायंगल को छोड़ के आ रहा है, चौथा वाला में चार ट्रायंगल को छोड़ के आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है, और चलता है और वो दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। तो देखिए अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, मतलब उत्तर की ओर देख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पूछा है कि किस दिशा में देख रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि किस दिशा में, तो आप नॉर्थ में अगर पूछता पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, तब उल्टा हो जाता, तब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, छोटे छोटे चीज़ को अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे चीज़ के कारण ही बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5 आदमी ए बी सी डी ई एक अखबार पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, जो पहले पढ़ता है, फिर बोल रहे जो पहले पढ़ता है वो सी को देता है। मान लीजिए जो पहले पढ़ता है वो सी को देता है, तो पहले जो पढ़ता है वो अखबार जो है सी को दे देगा, यानी कि सी तीसरा पोजिशन में आ जाएगा। जो अंतिम में पढ़ता है वो ए से लेता है, सेकंड लास्ट में हो जाएगा। ई अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम नहीं होगा, मतलब ई जो होगा ना पहले आएगा ना लास्ट में आएगा, ई पहले और लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, बी और, देखिए जब ई दोनों, ई लास्ट में भी नहीं आएगा और फर्स्ट में भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ई बीच में आएगा। इससे आपको पता चल गया कि ई जो है बीच में ही पड़ेगा। अब बोल रहा है कि बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, यानी कि बी और ए कब होता है, जब यहाँ पर बी होगा तभी तो दो इसके बीच में 2 आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, और तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बच गया क्या, ई बच गया क्या, डी बच गया, तो डी लास्ट में हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि उस व्यक्ति को ढूंढे जिसने अखबार की को आखिरी में पढ़ा था, तो आखिरी में कौन पढ़ेगा, डी ए पढ़ेगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस पड़ेगा, लेसन रखने से सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो ब्लड रिलेशन है, ए बी की बेटी है, ए जो है
बी की बेटी है, मतलब ये फीमेल हो गई, ठीक है। ए जो है बी की बेटी है, ठीक है, ए बी की बेटी है और बी सी की माँ है। चलिए बी जो है सी की माँ है, ठीक है, और डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, तो फीमेल हो गया, मेल हो गया, ठीक है। और डी ए से कैसे संबंध है, डी जो है ए से कैसे संबंध है, डी जो होगा ए का भाई होगा, यानी कि ब्रदर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पूरा कैन नॉट, ये दो चीज पूछा जाता है, कैन नॉट और नॉट, कैन नॉट और कैन, माने इस वर्ड से हम क्या नहीं बना सकते हैं। तो देखिए आर इसमें नहीं होगा, तो आर फॉर्म में आर है तो आर हम नहीं बना सकते, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे गोल्ड इज रिटन एज, देखिए जो गोल्ड है गोल्ड जो है क्या है, आई क्यू एन और एफ, तो आई जी जी एच आई मतलब प्लस टू, इसमें भी प्लस टू, ओ से क्यू किया मतलब ओ 15 होता है, और एल मतलब 12 और एन 14 यानी कि प्लस टू, सब में प्लस टू हो रहा है, तो ये फाइंड चल गया था। पर अगर विंड का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई एन डी विंड का क्या हो जाएगा, इसमें भी प्लस टू, इसमें भी प्लस टू, इसमें भी प्लस टू, प्लस टू करना है, डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई आपको ध्यान देना है कि यही जब टाइम सेव करता है। देखिए अब वाई आ गया तो आपको आगे कोई ऑप्शन में वाई नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए टिक करें और आगे निकल जाएं, आप अपना टाइम बर्बाद मत करें, फिर करेंगे आई जे के, फिर लिखेंगे के, फिर पी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, तो इतना आप टाइम वेस्ट मत करें। आप क्वेश्चन को जैसे आपका ऑप्शन आ गया आप उसको वहीं पर टिक करें और आगे बढ़ें, टाइम सेव होगा तब आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन आ गया फिर भी हम के भी निकालेंगे, पी भी निकालेंगे, एफ भी निकालेंगे, आपका जब आंसर आ गया तो आप टिक करें और निकालिए। तो यही आपका जब भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो इसी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपका आदत हो जाएगा। आप हमेशा टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो आप पता नहीं चलेगा कितना तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने से सब कुछ नहीं होता, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट नहीं देंगे तो आप एग्जाम में टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको टेंशन से बचने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा प्रेशर रहता है, इसीलिए आप प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। आप अगर एग्जाम देंगे तो उससे पहले आप टेस्ट जरूर लगाएं, टेस्ट नहीं लगाइए तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। टेस्ट लगाइए, नंबर कितना आ रहा मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, कितना भी मार्क्स आए मार्क्स पर मत ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, इसे पी ए टी 37 कैसे हुआ, ठीक है। तो पेज नंबर 16, ए से 1 टी 20, सबको ऐड करेंगे तो 37 आ रहा है। अब देखिए टी ए पी पूछा है तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 प्लस 1 प्लस 15 16 यानी कि 37, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि देखिए जब पेयर इक्वल टू 37 हो गया तो इसमें कोई भी लेटर चेंज हुआ है, कोई भी अल्फाबेट चेंज हुआ है, सब तो सेम ही है, खाली पलट दिया है, इसका मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट आप 37 लगा के निकल सकते थे। इस तरह आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आपको बताना था इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो इतना टाइम लगा, अगर आप बनाएंगे तो ये सब 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम क्या मेथड लगाएं कि 60 आ जाए, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौक 60 यानी कि सबको मल्टीप्लाई करने 60 आ रहा, इसको भी देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 4 5 20 7 यानी कि 140, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला चीज़ आ रहा है, इसका मतलब इसको भी करेंगे तो x इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 96, 4 से गया तो 2 बार में, 4 बार में, फिर 4 से गया तो 6 बार में, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो येल्लो के ऑपोजिट में क्या होगा, ये पूछा है कि येल्लो के ऑपोजिट में क्या होगा, तो येल्लो के ऑपोजिट में क्या होगा, देखिए येल्लो यहाँ, अब देखिए ऑरेंज यहाँ भी है, ऑरेंज यहाँ भी है, ब्लू यहाँ भी कट, तो दोनों कट गए, इसका मतलब क्या, येल्लो के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का कंसेप्ट मैं डाइस में भी डिस्कस किया था कि जब भी दो चीज़ कॉमन आ जाए तीसरा जो होगा आपस में ऑपोजिट में हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चीज़ फाइंड करना है कि ये वाला जो फिगर है किसमें एम्बेडेड है, मतलब किसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे आप, तो एक तो आपका ए चीज दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह आपको फाइंड करना है, सिंपली क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान देना है और माइंड को कूल रखना है। जब भी आप एग्जाम दें तो माइंड को कूल रखें और ज़्यादा टेंशन मत लें। टेंशन लेंगे तो आप अगर क्वेश्चन जानते हुए भी आप क्वेश्चन गलत करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम दें तो उससे पहले माइंड कूल रखें और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप मान लीजिए 1.5 घंटा का क्वेश्चन है, 1.5 घंटा का एग्जाम हो रहा है, तो आप एक घंटा में से टारगेट रखिए कि हम 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जो सिंपल क्वेश्चन होगा। आपको 100 क्वेश्चन रहेगा तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जो 60 क्वेश्चन रहेगा ना वो बहुत ही ईजी रहेगा। तो 60 क्वेश्चन आप टारगेट रखें कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करें। जो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जिस क्वेश्चन को आता है, जो क्वेश्चन हमको आता है उसी को अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि हम जो क्वेश्चन नहीं आता उसी में हम टाइम वेस्ट करें। आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, आपको 60 मिनट में आपको जो इजी क्वेश्चन है आप उसी को यूज कंसेप्ट को जो इतना भी आता है आसानी से करें। जितना क्वेश्चन आता है आप ईमानदारी से करें और सही से करें। कोई भी क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा नहीं दें, टाइम अगर ज़्यादा देंगे तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, तो आप ना 100 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले आपका टाइम खत्म हो जाएगा। बाद में पता चलेगा कि जो पीछे बाद वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही ईजी था, तो इसीलिए आप ऐसा अफसोस नहीं करना आपको। इसीलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है पहले अटैम्प्ट में उसी को अटैम्प्ट करें, चाहे जितना भी क्वेश्चन बने आप नेगेटिव नहीं मारें, जितना आता है उतना ही बनाएं, चाहे सिलेक्शन हो या नहीं हो, और अपना तैयारी को अच्छे से करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, और अभी तक आप अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम को में फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, और प्लस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।